बनाया, गेम बेकार रहा है, एंड एडवांटेज हैकर लेके जा सकते हैं। ग्रेनेड आएगा, दो ग्रेनेड आएंगे, एक ग्रेनेड से कनेक्शन बनाने की कोशिश छोड़े ब्रिज के पैराडॉक्स को काफी लो छोड़ेगा, दूसरे ग्रेनेड से ऑस्टिन को भी कनेक्शन बनेगा। ग्रेनेड की बरसात हैकर यहां पर दिखा रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस से कनेक्शन निकाल के जाते हैं, फिर यूज वन मैक्स टेस्ट को भी हैकर नॉकआउट करके जाते हैं। फिर इस पॉइंट सिक्योर किया गया, इट्स अ वन वर्सेस वन वर्सेस वन, ओएस वर्सेस रेवेनेंट, पैराडॉक्स को कंफर्म किया गया है। हैकर, व्हाट हैव यू जस्ट डन? एक अकेले खिलाड़ी बचे हुए हैं, लेकिन देखिए दो टीम्स को तंग कर रहे हैं, एक वन वर्सेस वन का फाइट, थॉमसन एसएमजी वर्सेस ओएस, देखते हैं उनके पास क्या वेपन रहेगा। एक गेम है जरूर, बट उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि हैकर ऑलरेडी रश कर रहे हैं। बाकी आप अभी जाएंगे तो बेहतर हो सकता है, क्योंकि एचपी आप देखिए दोनों के कंपेयर में अगर हम बात करें तो बेहतर पंक के पास है, डिफेंस की बात करें तो बेहतर पंक के पास है। ओएस बोलते हैं थोड़ा सा मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि केवल एक लेवल का उनके पास वेस्ट है, डैमेज्ड है। पंक अगर अभी स्लैम इन कर देते तो बेहतर होता, बट चलिए जल्दबाजी यहाँ पे नहीं की जाती है, थोड़ा सा इंतजार करना बेहतर हो सकता है। बट लेवल थ्री हेलमेट, लेवल थ्री वेस्ट आपको आखिर में प्लस MK14 मिल चुका है, जिसके साथ इस मैच को चिकन निकालना ओएस बोलते के लिए आसान होगा, बट पंक क्या वो कारनामा यहां से करके दिखा सकते हैं। Well, क्या बोलती पब्लिक, ओएस बोलती पब्लिक, क्या मौका रहेगा? पैन फेक करके डिसएंगेज किया जा रहा है, हैकर विथ अ ब्रेन गेम कमिंग इन। वेल आई डोंट नो, बट इस मैच में अगर हैकर चिकन डिनर निकाल जाती है, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि हैकर ने ये क्या करके दिखाया है। रेवेनेंट का शटडाउन, टीम फॉरएवर, 14 फिनिश पॉइंट्स है। अगर ओएस ये फाइनल फिनिश पॉइंट निकाल जाते हैं, 30 बॉम्बर गेम उनके लिए रहेगा। अगर आप एक्सो की बात करेंगे, उनके पास 9 फिनिशेस है, 25 पॉइंट्स एक अकेले इस मैच से निकाल के जा सकती है। एक्सो कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटेंस हमें इस मैच में इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में देखने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज और प्लस पॉइंट है कि पंक बूस्टर्स के साथ धीरे 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 100 एचपी के आसपास पहुंच चुके, बट ओएस बोलते को 75 एचपी के साथ ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास एक भी बूस्टर्स नहीं है, ना ही पेन किलर, जिससे वो थोड़ी सी वो 100 एचपी की पारी खेल सके। बट चलिए 75 एचपी के साथ ही इनको यहां से जर्नी आगे लेके जानी पड़ेगी। एमके 14 है, जो कि एडवांटेज हम जानते हैं, कुछ ही बुलेट के साथ आप एक खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, भले ही उनके पास कितना अच्छा डिफेंस क्यों ना हो। बट फाइनली ये सर्कल तय करेगा, सर्कल का स्ट्रेंथ आ रहा है धीरे धीरे करके, आप आगे जाने करिए। पंक की बात करें तो आगे जा चुके, ओएस बोलते एक तरफ कुछ ब्रेक बात करें, कुछ खास नहीं, कवर में है, ओएस बोलते कुछ आउट के साथ, आखिरकार वो MK14